हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जब भी हम कोई एसी खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन देखते हैं, तो वहां पर हमें दो कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती हैं। एक तो 100% कूलिंग कैपेसिटी, वो तो हर एसी में आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की वैल्यू भी मिलती है। तो ऐसे में अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमें एसी खरीदते हुए मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी को देखना चाहिए या फिर 100% कूलिंग कैपेसिटी को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनकी 100% कूलिंग कैपेसिटी तो कम होती है लेकिन मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पर कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनकी 100% कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स या अदर मॉडल्स उनकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कौन सा मॉडल लिया जाए या फिर किसकी कूलिंग बेटर होगी, किसकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तसल्ली से इस वीडियो को देख लो, एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर या फिर यूं कहूं कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर अभी तक तो नहीं मिलेगी। इसके बाद हो सकता है कि कोई ना कोई ज़रूर बना दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसमें इस चीज़ के ऊपर किसी ने डिटेल से आपको बताया हो। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ आते हैं जो आपके नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वैसे तो 100% का मतलब होता है अपने आप में हाईएस्ट लेवल, लेकिन एसीज की दुनिया में ऐसा नहीं है। एसीज में आपको 100% से भी ऊपर की कूलिंग मिल जाती है कुछ मॉडल्स के अंदर, और उसको कहते हैं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि बेशक कोई भी एसी का मॉडल, नॉन इन्वर्टर हो, इन्वर्टर हो या किसी भी तरह का कोई भी एसी हो, वो एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है स्टार रेटिंग लेबल को, क्योंकि स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर आपको हमेशा 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी ही मिलेगी। जो इन्वर्टर एसीज होते हैं उसमें आपको 50% भी मिलेगी लेकिन 100 से ऊपर की नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो 100% कूलिंग कैपेसिटी को कंसीडर करते हैं एसी की एनर्जी एफिशिएंसी को नापने के लिए या फिर मापने के लिए। लेकिन ऐसा होता क्यों है, स्टार रेटिंग लेवल पे मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी क्यों नहीं लिखी जाती, जबकि हम तो एक्सपेंडेबल एसी ले रहे हैं और उसके अंदर ऑप्शन है ज़्यादा कूलिंग करने का। दोस्तों, हमेशा ज़्यादातर जब भी एसीज़ को टेस्ट किया जाता है तो उनको 100% कूलिंग पे ही टेस्ट किया जाता है या फिर 50% कूलिंग कैपेसिटी पर टेस्ट किया जाता है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर एसी 100% कूलिंग कैपेसिटी से ही काम करते हैं, या फिर यूं कहूँ, आपको सरल भाषा में समझाऊँ कि जो आप एसी लेते हो या मेरे पास कोई एसी है, तो हम लोग ज़्यादातर उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, 100% कैपेसिटी के ऊपर ही यूज़ करते हैं। बेशक हमारे पास उसकी टनेज को कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को छेड़ते हैं। ज़्यादातर लोग 100% कूलिंग कैपेसिटी पे ही एसी को यूज़ करते हैं, वो टेम्परेचर को अप डाउन करते रहते हैं लेकिन टनेज को नहीं छेड़ते हैं, और यही रियलिटी है और यही फैक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो पावर एफिशिएंसी निकालता है, और इसीलिए वो भी 100% कूलिंग कैपेसिटी को ही कंसीडर करता है पावर एफिशिएंसी के लिए। अगर आपके पास कोई एक्सपेंडेबल एसी है तो आप उसको चला सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं चला सकते उस मोड के ऊपर। अब यहाँ पर कंटिन्यू क्यों नहीं चला सकते, जब आपके एसी के अंदर एक कंप्रेसर ऐसा लगा दिया है जो हाई अपने 100% से भी ज़्यादा स्पीड से चल सकता है, तो ऐसे में उस पर लिमिट क्यों सेट की हुई है। कोई कंपनी 30 मिनट की लिमिट रखती है, कोई 40 मिनट की लिमिट रखती है,
तो वहां पर लिमिट क्यों रखी गई है? लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि यूजर उस मोड के ऊपर उस पर्टिकुलर एसी को कंटिन्यू ना चला सके। अगर ऐसा रहा या फिर ऐसा होता है तो फिर उस एसी की पावर एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी कि वो एसी ज़्यादा बिजली खाने लग जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा काम ले रहे हैं तो फिर वो बिजली भी ज़्यादा खाएगा। इसीलिए वहाँ पर हमेशा टाइमर लगाया जाता है ताकि उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी को कुछ समय के लिए ही बढ़ाया जाए, ताकि जो पावर एफिशिएंसी है वो बराबर रहे, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, यूज़र को ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, मैंने तो 5-स्टार एसी लिया था फिर भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। इसी वजह से मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी को आप कुछ समय के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी को ही कंसीडर करना चाहिए किसी भी एसी को लेते हुए, बेशक वो एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि 100% कूलिंग कैपेसिटी के आधार पर ही आयशर वैल्यू का निर्धारण होता है और उसकी पावर एफिशिएंसी निकाली जाती है, क्योंकि 100% कूलिंग पे ही ज़्यादातर एसीज चलाए जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दो एसी हैं, 1.5 टन के हैं दोनों, दोनों की आयशर वैल्यू सेम है, मान लो 5.2 आयशर वैल्यू है दोनों मॉडल्स की और दोनों ही 1.5 टन के मॉडल हैं। अब यहाँ पर एक की 100% कूलिंग कैपेसिटी है मान लो 5100 वॉट और 100% कूलिंग कैपेसिटी है 6000 वॉट, दूसरे मॉडल की 100% कूलिंग कैपेसिटी है 5300 वॉट और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है 5800 वॉट। तो यहाँ पर अब फर्क क्या आ गया, आयशर वैल्यू बिल्कुल सेम है, टनेज सेम है, लेकिन 100% और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में फ़र्क आ गया है। एक की 100% पे ज़्यादा है कूलिंग कैपेसिटी और एक की मैक्सिमम पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो एसी लेना चाहिए जिसकी 100% पे कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और बेशक आयशर वैल्यू सेम है लेकिन फिर भी आपको वो एसी ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करेगा जिसकी 100% पे कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है और वो पावर सेविंग भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर आप उसको 100% मोड पे ही चलाओगे। अब आप कहोगे कि यार उसमें तो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें कम है, जब हम उसको एक्सपेंडेबल मोड पे जलाएंगे तो फिर वो कूलिंग कम करेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कितने समय के लिए चलाओगे एक्सपेंडेबल मोड के ऊपर? ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट चला लोगे, 40 मिनट चला लोगे, चलो दिन में 4-5 बार ऐसा कर लोगे, लेकिन जब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा तो आप खुद ही छोड़ दोगे इस चीज़ को, क्योंकि जब किसी भी एसी को आप हाइपर मोड के ऊपर बार बार चलाओगे तो वो मीटर भी बहुत तेज़ी से घुमाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए हमेशा कि जो भी मॉडल आप देख रहे हैं उसकी 100% कूलिंग को आप एक बार कंसीडर ज़रूर कीजिए। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। इसी तरह के बहुत ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।